वेलकम टू माई चैनल ए ई किचन्स। आज मैंने बहुत हेल्दी बहुत स्पेशल सी डाइट पुडिंग बनाई। आज मैंने बनाई ओट्स पुडिंग। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है, बहुत हेल्दी है। डाइट प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर से इसको खा सकते हैं। और जल्द से स्टार्ट करेंगे इस रेसिपी को। इस यमी सी पुडिंग को बनाने के लिए ओट्स है मैंने लिए। ओट्स में मैं डाल दूंगी, ये हैं चिया सीड्स, एक चम्मच जितने चिया सीड्स मैंने ऐड कर दिए। मिक्स करके इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ा सा, बिल्कुल ये है हनी, थोड़ा सा एक चम्मच जितना मैंने इसमें हनी ऐड किया स्वीटनेस के लिए। अब ये है मेरे पास दूध, दूध डालकर मिक्स कर लूँगी और इसको पूरा रात मैं ढक कर फ्रिज में रख दूँगी दूध ऐड करके। बस इतना ही काम हमें करना है रात को। अगर आप एक दिन पहले बना रहे हैं तो आप इसको रात को भिगो दीजिए, अदरवाइज आप एक घंटा इंस्टेंट बनाना हो तो एक घंटा भी रात को। दूध में जो चिया सीड्स और मैंने ओट्स डिप करके रखे थे वो मैं ले आई हूँ। अब इसकी हल्की सी हम इसको यमी बनाने के लिए लेयरिंग करेंगे। ये है मेरे पास जैम है, किसान का जैम है। जैम आप चाहे होममेड ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी जैम मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। इसमें मैंने हल्का सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा रनी सा कर लिया ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए। पानी डालने से थोड़ी स्वीटनेस भी इसकी बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से इस जैम को हम डाल लेंगे। स्प्रेड कर लेंगे और बस। चाहे तो आप इस पे हल्का सा न्यूट्रेला डाल लीजिए और चाहे आप चॉकलेट मेल्ट करके थोड़ी सी डाल लीजिए। अब ये थोड़ी सी मैं चॉकलेट डालकर इसको भी स्पैचुला की हेल्प से फैला दूंगी। थोड़े से नट्स हम तो लीजिए, ट्राई कीजिए इस हेल्दी सी यमी सी ओट्स पुडिंग को। बहुत ही यमी लगती है, हेल्दी भी है। डाइट प्लान कर रहे हैं, आपका मन मीठा खाने का है तो आप इसको बड़े आराम से खा सकते हैं। ट्राई कीजिए और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की